अभी तक आपने ज्यादातर स्लम ड्रीम रहने वाली खूबसूरत महिलाओं को रैंप पर कैटवॉक करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गर्भवती महिलाओं को कैटवॉक करते हुए देखा है? जी हाँ, फरीदाबाद के एक निजी 5-स्टार होटल में मदर्स डे के उपलक्ष्य में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 86 गर्भवती महिलाएं पहली बार रैंप पर उतरी और कैटवॉक करते हुए अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को संभालने वाले पोज भी दिए। वहीं इस दौरान गर्भवती महिलाओं का कहना था कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं के लिए भविष्य में भी आयोजित होते रहने चाहिए। एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया तरीका है अपने आप को, ये मेमोरेबल मोमेंट है, याद रखेंगे इस चीज को, आगे बेबी को दिखाएंगे जब बम पे थे क्या था। किसके साथ आए आप? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। तो कैसे मालूम चला कि यहाँ फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है? मैं एशियन में ही अपना ट्रीटमेंट करा रही हूँ एंड वहीं से मुझे पता चला। उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम है एंड दिस इज जस्ट फॉर फन। टीम रखी गई है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। हां जी, तो क्या ऐसा लगता है इस अवस्था में कितनी ग्रेट? अभी ऐसा कुछ माइंड में नहीं है, सब कुछ नया नया है। कितनी तैयारियां की है शो के लिए? कोई तैयारी नहीं की। पहले भी हिस्सा लिया आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम। वंडरफुल एक्सपीरियंस यार, इन माय लाइफ फर्स्ट रैम रॉक, आई मीन रैम वॉक। कितने प्रिपरेशंस करी आपने? नथिंग प्रिपरेशंस, कुछ भी नहीं। कम मालूम चला। और कितने दिन में आपने अपने आप को रैंप पर उतारने के लिए वो किया तैयार? कब? इट्स ताकि फीमेल्स को भी लगे कि प्रेगनेंसी इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी एंड इस तरीके से एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए ताकि आगे बढ़ने का मौका मिले। ये ना सोचे कि आपका मैरिज, उनकी करियर ब्लॉक हो गया है, सब कुछ ब्लॉक हो गया है, बल्कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आगे उनको और अपॉर्चुनिटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और फ्रीक्वेंटली कर सकें।